नमस्कार। सीमांचल पूछेगा सवाल को लेकर एक बार फिर से मैं पुल पुलिया को देख रही हूँ और ग्राउंड रिपोर्ट लगातार देख रही हूँ कि क्या कुछ हालात है और ये जानने की मैं कोशिश करूँ कि आखिर पुल पुलिया कंप्लीट क्यों नहीं बन पाया है। एक पीछे पुल है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ के जो स्टूडेंट्स है, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगी कि आपके सांसद, आपके विधायक ने क्या विकास किया है और आवाजाही में स्कूल आने जाने में आप लोगों को कितनी दिक्कतें होती है और आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव से पहले ये स्टूडेंट जो छात्रा जाती है स्कूल, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना होता है। जरा पास आइए, आप लोग इधर 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 पास आइए। क्या नाम है आपका? ममता कुमारी। ममता, ममता कैसे जाती है स्कूल? मैम जाने में बहुत दिक्कतें होती है बाढ़ के समय में, और मतलब कपड़ा वपड़ा भींगा के जानी पड़ती है वहाँ पे। अच्छा, भींग कर ही जाती है आप लोग? जी। नदी पार करती है? हाँ। सांसद ने कैसा काम किया है? बहुत घटिया काम किया है। नहीं आए थे? अच्छा, सांसद कितने बार आते हैं? सांसद पता नहीं। सांसद का नाम क्या है? सांसद का नाम क्या है? जरा कैमरा पॉइंट कीजिए। सांसद का नाम क्या है? नहीं जानती। हैरानी की बात है, मुख्यमंत्री, मैंने अब तक पूछा नहीं मुख्यमंत्री कौन है, आपका राज्यपाल कौन है, लेकिन गृह मंत्री का भी नाम नहीं जानते हैं। टेंथ की स्टूडेंट है, लेकिन मैं ये सिर्फ सांसद का नाम ही पूछा कि सांसद कौन है, इनको ये नहीं पता है। किस क्लास की स्टूडेंट? टेंथ की है आप लोग? जी। एग्जाम कब देना मैट्रिक का? 2024 में देना है आपको? 2024 में? फरवरी में देना है। सांसद का नाम नहीं पता है? सांसद कौन होता है? डॉक्टर जावेद। डॉक्टर जावेद है जी। सांसद का काम क्या होता पता है? नहीं। पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है कभी? क्या होता है? सड़क बनाना, पुल बनाना, ये सब सांसद का काम होता है। ये सांसद का काम होता जी। है जी। अच्छा, मुख्यमंत्री का क्या काम होता है? मुख्यमंत्री कौन है बिहार का? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार है जी। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं नीतीश कुमार कौन है मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार जी। आवाजाही में दिक्कत होती है? जी। कितनी दिक्कत होती है, कैसे जाती हैं आप लोग? हम लोग पैदल जाते हैं। पैदल जाते हैं जी, और पानी रहता है, कपड़ा भीग जाता है। साइकिल नहीं मिली है? साइकिल मिली है। अच्छा, फिर कहाँ रखा साइकिल को? खराब हो गया है। खराब हो गया जी। अच्छा, नीतीश कुमार छात्र छात्राओं के एजुकेशन के लिए कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा कर रहा है, मिला के अच्छा है जी। ठीक आ रहे हैं। टीचर आते हैं स्कूल में? जी आते हैं टीचर। कितनी क्लास होती है? 10। 10 क्लास होती है? हम लोग का स्कूल में 10 क्लास है ना। अच्छा, आप लोग कितनी क्लासें लगती है? 7, 6, 4, 5 कितनी? घंटी। अच्छा, घंटी बोलते हैं आप लोग जी। अच्छा, कितनी घंटी लगती है? 2 ही जी। सिर्फ 2 क्लास? क्या पढ़ाते हैं उसमें? उसमें हिंदी, हाँ, मैथ, हाँ, संस्कृत, हाँ, यही सब पढ़ाते हैं। साइंस नहीं है उसमें? सब चीज पढ़ाते हैं, मिक्स कर देते एक साथ में जी। कितने टीचर आते फिर? 11। क्लास लेने के लिए कितने टीचर आते हैं? 5। 5 जी। और कौन है? अलजेब्रा वगैरह पढ़ाया कभी? नहीं, नहीं पढ़ा है। इधर आओ। और कौन कौन बच्चे हैं? इधर आओ। क्या पढ़ते हैं लोग, आओ जरा बताओ मुझे भी, क्या क्या पढ़ते हैं बताओ। सांसद का नाम पता है? हम नहीं जानते हैं। नहीं। अब मैट्रिक के बाद इंटर करोगे तुम लोग जी? अच्छा, पढ़ने के लिए क्यों जाती है बताओ मुझे, बस पढ़ने के लिए क्यों जाते हो, क्या कारण है? सीखने के लिए। क्या सीखना चाहते हैं? क्या पढ़ने के लिए जाने का मकसद क्या है, क्या मोटो है, क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं स्कूल? ज्ञान लेने के लिए। ज्ञान तो ऐसे घर में माँ बाप दे रहे थे? मैं मतलब बेसिकली भी लेना चाहिए। कैसा ज्ञान देते हैं वहाँ? बहुत बढ़िया देते हैं। क्या सिखाते हैं? राजनीति के बारे में और भी कुछ सिखाते हैं। राजनीति क्या है? राजनीति क्या है? पॉलिटिकल साइंस राजनीति है। प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी है, सही याद है नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, कौन है प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, श्री नरेंद्र मोदी कौन है प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी। उनके काम से कितना खुश? वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी सुरक्षा की बात करते हैं, क्या मानते हैं?
इसके लिए आप लोग तो बहुत अच्छे ही मानते हैं। क्या क्या नरेंद्र मोदी ने लड़कियों के लिए क्या किया ये बता दो। बेटी सुरक्षा का मतलब पता है? नहीं। बेटी सुरक्षा क्या है? पता नहीं। बेटी सुरक्षा क्या है? पता नहीं। इधर आओ पास आओ। इधर आओ इधर आओ। तो इनकी स्वयं हो तुम। बेटी सुरक्षा का मतलब पता है? नहीं। बेटी होकर की बेटी सुरक्षा का मतलब नहीं पता? नहीं। बेटियों की हिफाजत हो, बेटियों के साथ कहीं गलत ना हो, छेड़खानी ना हो, उसे सुरक्षित रखा जाए, आवाजाही में परेशानी ना हो, लड़के ना छेड़े, ये नहीं पता? नहीं, ये सब तो था पहले। कभी पढ़ाया मास्टर ने? पढ़ाया कभी? जी पढ़ाया था, भूल गए। मास्टर ने कभी पढ़ाया बेटी सुरक्षा क्या है? ऐसे तो कह रहे नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया। चलो बड़ा मसला है ये बिहार में बच्चों के लेकर, बच्चे एजुकेशन को लेकर ही मैं कहूंगी, क्योंकि पढ़नी जरूर है यहाँ का एजुकेशन, और मैं उसमें जाने की कोशिश करूंगी। इधर आइए आप लोग, जरा आप लोग भी आइए, जरा बोलिए। बोलो पुल की क्या समस्या है? पुल समस्या देखिए मैम, हम लोग जो है आजादी कितना साल हो गया अभी तक, जब से हम लोग पैदा हुए मान के चलिए 24 साल उम्र है, तो अभी तक होता है ना कि 24-12 महीना में आप गाड़ी लेके कहीं चले जाएं आराम से निकाल के, तो ऐसा नहीं होता है। 6 महीना यहाँ जो है बाइक चलाते हैं, 6 महीना बाइक हम लोगों का घर में रहता है पैक। हर साल देख लीजिए आप, इसमें अगर बारिश होगी थोड़ा सा भी, बारिश होने के बाद जो है बाइक जाएगी, इसमें आप देखिए अंदाजा लगाइए, 10 में से 3 नंबर देंगे उसका काम जो है। ये तो खैर ठीक है, मिला जुला आएगा। आजादी कितना साल हो गया, अभी तक वहाँ पक्की सड़क नहीं है। क्या जगह का नाम क्या बोला आपने? ककरवा गांव खपड़ा पंचायत के अंदर आता है। लोकसभा कौन सा? किशनगंज। किशनगंज लोकसभा। इस पुल को लेकर क्या आपकी राय है, क्या लगता है पुल बनेगा या नहीं? पुल तो बनेगा, लेकिन भाई लेट सेट हो रहा है यहाँ पे काम, कोई जो होता है ना प्रशासन टाइट रहे, काम फटाफट हो ऐसा कुछ नहीं है। अपना मनमानी जैसे होता है, आराम आराम से चीटी के चलते काम हो रहा है बस। क्या लगा इस पुल को लेकर, सामने आइए जरा। मैम देखिए, इस पुल का काम जो है ना, जिस तरीके से होना चाहिए फर्स्ट नंबर काम, उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके की फहीम भाई बताया, मतलब काम होता है, मतलब इसमें किसी का ऐसा पकड़ नहीं जो कि मतलब फास्ट काम हो सके। और गांव समाज का आदमी सबकी वैसे ही है, कोई कुछ बोल भी नहीं पाता है, हो रहा आराम आराम से काम। बाकी ये ब्रिज के लिए हम लोग आज से परेशान नहीं है, हम लोग अपना जिंदगी 27 साल से खुद परेशान है। आजादी का 73 साल हो गया है, और जब से लेकर के आज तक हम लोग परेशान है। 6 महीना तो हम लोग का बाइक मतलब घर के अंदर यू पड़ा हुआ रहता है, यहाँ से पैदल ही हम लोग जाना पड़ता है। अभी किसी तरह सूखा है, तो हम लोग अभी आवागमन भी हम लोग का हो रहा है। अभी कभी सांसद आते हैं क्षेत्र में? नहीं, सांसद को अभी आपका 5वां साल पूरा होने वाला, डॉक्टर जावेद का, वो कभी यहाँ पे नहीं आते। उनको कितने बार आते हैं देखा है कभी? हाँ उनको देखे हैं, बाकी विधायक जी आते हैं। ये उनके अंदर का काम नहीं है शायद, ये तो एमपी फंड का काम है। बाकी क्या कहता है आपको, जो रुकुंदी साहब कर रहे नहीं, वो आते हैं, उनसे जहाँ तक हो पाता है वो अपने क्षेत्र का काम करता है, वो उनका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डॉक्टर जावेद का काम है, वो आते ही नहीं है, वो नहीं आता। हाँ, उनका रिकॉर्डिंग मोबाइल वाला शायद आप भी सुने होंगे, ठीक है, मैं किस तरीके से बात करता है वो, तो वैसे ही है वो। ये चीज अच्छा, ये बताया कि विकास के नाम पर डॉक्टर जावेद को नंबर देना होगा, 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से फहीम भाई क्या बोला कि हम 3 नंबर देंगे, मैं उसको 1 नंबर नहीं दूंगा, उनको 0-0 बिल्कुल काम नहीं करता है। रिकॉर्ड है कि 5 साल के अंदर में वो कोई भी काम नहीं किया, वो एक भी काम दिखा दे डॉक्टर जावेद साहब के पास, वीडियो अगर पहुंचा तो देख लेगा वो, सब देखते हैं। हाँ बिल्कुल, उनके पास वो एक भी काम नहीं किया हमारे क्षेत्र के अंदर में, वो आए भी नहीं है। 5वां साल उनका खत्म होने वाला, वो नहीं आए हमारे इसमें। चुनाव के वक्त क्या जवाब देंगे? हाँ चुनाव वक्त हम लोग को फिर दिखाएंगे भाई, हमारे पास जब वोट मांगे तो क्या करते, किस मुद्दे मेरे पास वोट मांगेंगे, वो इसी मुद्दे से वोट मांगेंगे भाई, तुम करते नहीं हो है, हम लोग कोई मौका 5 साल के बाद 24 आने वाला। राजनीति और सीमांचल की, खासकर राजनीति सीमांचल, वही भैया सभी को पता है, एक तरह से तमगा लगा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि ये बदहाली के बावजूद वोट देने के लिए वोटर्स जाते हैं, लेकिन रात में 500 और 1000 पे मिल जाने के बाद दिल बदल जाता है, ऐसा होता है? नहीं, ये बात आपका सही है, लेकिन कुछ हद तक, लेकिन हर कोई वैसा नहीं है। और हम जैसे युवा जब भी हम लोग वोट करते हैं, हम लोग विकास के नाम पे वोट करते हैं कि भाई मेरा काम हो जाए, ठीक है ना। लेकिन ये विकास के नाम पे हम लोगों के पास से वोट लिया जाता है, लेकिन लोग विकास करता नहीं है। तो फिर दूसरा मौका देना चाहिए कि नहीं? दूसरा मौका उनको नहीं मिलेगा, कैसे कौन चेहरा है, क्या लगता है परिवर्तन होगा इस बार? हाँ इस बार परिवर्तन होगा। क्या नाम हो सकता है परिवर्तन का? देखिए नाम तो मैं नहीं बता पाएंगे, ठीक है, लेकिन परिवर्तन होगा, लेकिन कोई तो होगा। हाँ, चेहरा नहीं, नहीं अभी चेहरा है लेकिन, हाँ। लेकिन नाम नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आएगा तीसरा, आएगा हाँ तीसरा कोई आएगा, ठीक है ना। हाँ ये चीज है, हाँ ना बीजेपी के पार्टी में से कोई आएगा, ना कांग्रेस में से कोई आएगा, तीसरा कोई आएगा। कौन आएगा? आरजेडी है? हाँ, नहीं आरजेडी भी नहीं आएगा, जेडीयू। अब समझ गए होंगे, जो भी है एमआईएम आएगा, ठीक है। अच्छा, लोकसभा में आपका अख्तर ईमान ही आएगा। हाँ उनके ऊपर ईमान, जो विधायक है
मैं आपको बताती हूँ, अमौर विधानसभा क्षेत्र कवर करके आई, वहाँ भी नीलगट्टा सन्नाटा है, वहाँ भी काम नहीं हुआ है। वहाँ पे कुछ हद तक वहाँ पे काम हुआ ऐसा नहीं। देखिए 72 साल मतलब क्या रहता है आपको, कोई और सब पार्टी आपका राज किया, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है ना, ये लोग राज किया, इनको अभी आने से भी इनको 3 साल दो साल इनका भी और बाकी है, ठीक है ना, तो इनको थोड़ा संभाल, इनको थोड़ा वक्त चाहिए इनको, ये चीज है। जनता वक्त देने में ही बर्बाद होती चली जाती है, बर्बाद हुई। देखिए आरजेडी को भी हमने समय दिया, जेडीयू को भी, बीजेपी को भी, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने काम नहीं किया, इसलिए हम लोग लोकसभा में चाहते हैं एक बार एक मौका हम लोग अक्टूबर ईमान को जरूर देंगे, और जब ये फेल हो गया तो फिर हम हिम्मत हार देंगे भाई, किसी के ऊपर भरोसा नहीं होगा, ही बंद करवा देना। नहीं नहीं, चुनाव तो बंद नहीं होगा, लोकतंत्र का वो ये है, वो बंद होने वाली चीज नहीं है, वो तो हम लोग का हथियार है, ठीक है, वही बनेगा, हम लोग क्या इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी अभी हम लोग के पास में कोई नेता नहीं है, इलेक्शन नेता हम लोग के पास में जरूर आएगा, वो आएगा ऐसा, हाँ जरूर आएगा। फिर सवाल क्या होगा? सवाल नहीं होगा, फिर काम के मुद्दे में ही वोट होगा, वही सवाल होगा। और जिन लोगों ने हमको बेवकूफ बना के गया उनको मुंह तो उनको जवाब देंगे, आपने कहा था आपका ब्रिज बन जाएगा, आपने कहा था आपका पुल बन जाएगा, उनको बोलेंगे आपने नहीं बनवाया, किस मुंह से मेरा पास आप मतलब वोट मांग रहे हैं आप। सवाल होगा, हाँ बिल्कुल मैम, फिर ये सवाल होगा। बच्चा इधर, इससे भी मैंने बोला था बोलेगा, आ जाएगा, तुम्हें बोलना, इधर पास आ। क्या नाम है? कुंदन कुमार। कुंदन, कुंदन किस क्लास के स्टूडेंट है आप? नाइन्थ के। नाइन्थ की स्टूडेंट है जी, वो टेंथ की थी। अच्छा ये बताएं, आवाजाही में परेशानी होती है? जी बहुत तो परेशानी होता है, मतलब यहाँ का आदमी जो है गाड़ी 6 महीना चलाता है, 6 महीना के बाद एंगल में फेंका हुआ रहता है, ठीक है, और उसके बाद जो पुल के बारे में जो पूछ रहे हैं यहाँ का सलाम। अरे गाड़ी नहीं बोलते, अरे चलो चलो, गाड़ी नहीं बोलेगा इसीलिए क्योंकि जो पुल जो बनाने के मतलब 3 साल हो गए, 3 साल से वो पुल अभी तक फैलने की है, तो आदमी गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, ऐसा गुस्सा तो अभी करेगा, कितना परेशानी होता है आदमी का। हाँ तो इतना ही बारे में चाहते थे। अच्छा सांसद कैसा काम करते थे? पास आओ, पास आओ, सांसद कैसा काम करते हैं? अभी मिला जुला के ठीक है करता, वो ठीक है करता। हाँ 10 में से कितना नंबर दोगे? 10 में से 0 भी नंबर नहीं देंगे उसको अभी हम। क्यों? क्योंकि वो मतलब पहले जो काम जो किया था वो पहले गलत कर रहा था काम। अभी आपको मौका मिल जाए सांसद बनने का 10 दिन के लिए, क्या करेंगे आप? हमको मौका मिलने नहीं करेगा, कैसे मिलेगा मौका? मानिए आप, कितनी एज है आपकी? 13 साल। 13 साल जी, पर 20 साल 18 साल के बाद कभी आप नेता बनना चाहेंगे तो क्या मौका में क्या काम कर सकते हैं आप जनता के लिए? अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, अभी तो हम 13 साल के ही हैं। हाँ तो क्या कर सकते हैं? नहीं, मौका मिले आज के दिन कि आप सांसद हो गए तो आप क्या काम कीजिएगा सबसे पहले? सबसे पहले स्कूल को तैयार करेंगे। हाँ। उसके बाद रोड मतलब जो इधर से आदमी जो जा रहा है। हाँ। इधर से ही पैरा बना देंगे। क्या समस्या लगती है अपने गाँव में? समस्या बहुत खराब है, ठीक है, समस्या ठीक है। चलिए सीमांचल पूछेगा सवाल के जरिए, मैं बार बार जनता के बीच आती हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट पर मैं सवाल पूछती हूँ कि वादे जो किए गए थे वादे में कितना दम है, उसका ऑपरेशन होना जरूरी है। इसे सीमांचल पूछेगा सवाल के जरिए मैं सवाल पूछती हूँ जनता से, जनता का मूड कैसा आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले क्या सवाल होंगे, लेकिन जनता जागरूक जरूर हो। चलिए अब देखना होगा कि क्या किशनगंज में कांग्रेस का अड्डा जो है वो बना रहेगा, बरकरार रहेगा, या बदलाव भी जरूरी है। जनता जवाब देने की तैयारी में, विकास के नाम पर वोट होगा तो शायद कुछ भी हो सकता है, लेकिन विकास के नाम पर वोट लोग करते हैं, लेकिन जनता भी बदलती है, जनता की भी जिम्मेदारी बनती है जितनी जिम्मेदारी यहाँ के प्रतिनिधि के होते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि सीमांचल पूछेगा सवाल के जरिए जितनी भी रिपोर्ट आपके पास पहुंचती है उसमें आप देखते हैं कि हर जगह नदी, पुल, पुलिया, रोड, सड़क, एजुकेशन से तमाम चीजों को अधूरा ही मैं दिखा पाती हूँ, क्योंकि पूरा कुछ मुझे अब तक नजर नहीं आया।